सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एक गेम प्ले करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रैनी चैप्टर 2। तो आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिस मोड में खेलूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आता है। यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड बैठा है तो मैं इसे सिखाने वाला हूं। मेरा भी एक चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर देना। हाँ, तो वैसे तो मुझे आता है पर मैंने इसको हेल्प के लिए बुलाया क्योंकि कई कई बार मैं अटक जाता हूँ क्योंकि बिल्कुल बिगनर हूँ मैं। तो ये मेरी किस वे में हेल्प करेगा, ये मेरी हेल्प करेगा कि जहाँ मैंने सामान को उठाया या फिर गिराया ये बताने में, और कहाँ पे सामान हो सकता है उसकी लोकेशन बताने में। बाकी मुझे गेम प्ले थोड़ा थोड़ा आ गया, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है। तो चलिए स्टार्ट ही करते हैं। डिफ़िकल्टी प्रैक्टिस रखेंगे, क्वालिटी को हाई पे रखेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें डे वन या डे टू का कोई झंझट होने नहीं वाला क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा तो है नहीं प्रैक्टिस मोड में। तो ये गेम एक ट्रेजर हंट की तरह ही रहेगा, बस हमें बाहर भागना है घर से। कौन सा एस्केप करेगा तो पहले ये बता। डोर एस्केप ही करूँगा गाइस, डोर एस्केप की मैं प्रैक्टिस करता हूँ और अभी तक जितनी बार भी मैंने खेला है डोर एस्केप ही किया है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले तो क्या चीज़ ढूंढेगा? मैं सबसे पहले नीचे जाके देखता हूँ। नीचे से कुछ होना तो नहीं चाहिए, मेरी एक्सपर्टीज बताती है। क्योंकि नीचे बोर्ड, हाँ डोर के हिसाब से नहीं होता ज़्यादातर, ग्लास यूज पड़ा है। ऊपर चल के देखता हूँ मैं, क्या पता यहाँ गलती से कोई सामान पड़ा हो। सिक्योरिटी होती है कभी कभी, नहीं पड़ा कुछ। ऊपर चल के देखते हैं ऊपर। इस डोर के अंदर भी डोर का कुछ नहीं होगा, होता है कई कई बार, मेरे को आज तक नहीं मिला। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, इतना कुछ खास सामान नहीं होगा। ये बोर्ड का है, काम का नहीं है। इसके अंदर रेंच हो सकती है सवारी के अंदर, हेलीकॉप्टर की नहीं। तो ये कर लिया भाई, इसमें मिलता ही नहीं आज तक, जब भी खेला मिला ही नहीं कुछ। वो ड्रॉर खोलना, इसमें भी ड्रॉर होती है भाई। पीछे 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 वॉश बेसिन के ऊपर ये। अच्छा हाँ, हेलीकॉप्टर की। यहाँ चल के देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। कुछ भी नहीं है, ये रहा। नीचे जाना है, नीचे नीचे हो सकते है, स्टन गन मिल जाए, ज़्यादातर मिल जाती है। नहीं है इस बार। चल ऊपर वाले फ्लोर पे चल, अब कटिंग प्लेट से जाने की कोशिश करो। ये कहाँ अटक गया? नीचे देख, नीचे। चलो चलते हैं अब ऊपर, चलते हैं और ज़्यादा। अभी चल मारिया। हाँ ये भी चेक कर लेते हैं, कुछ तो पड़ा होगा। कुछ नहीं है। अभी ऊपर वाली अलमारी को खोलें, कटिंग प्लेयर्स की काफ़ी चांसेस होते हैं। होते हैं, मैंने भी देखा। ये रहा, सबसे पहले वही कट कर देते हैं। सिक्योरिटी की हो सकती है यहाँ पर। वाह, क्या एक्सपीरियंस है भाई तेरे को। चलने पिक्चर के पास। अब याद रखना, अब याद रखना सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी देखते हैं यहाँ पे, क्रोबार में हो सकता है। नहीं है। अब वो ड्रॉर खोलो वाला, उसमें देखो पैडलॉक की है, वेपन की मिल सकती है। हाँ क्या वेपन की, अब उड़ाएंगे उसको। गेट खोल, मज़ा आ। यहाँ पे देखो सेफ की मिल सकती है या कुछ भी नहीं होगा। सेफ की, अब जाके सेफ खोल, जल्दी भाग कर जा फुल स्पीड में, सेफ खोल जाके। सिक्योरिटी रूम में सिक्योरिटी की है, इसका तो काम ही नहीं अब सिक्योरिटी की का। उसमें क्या पड़ा था? वेपन की। अच्छा हाँ, पहले सेफ। अवन खोले, अवन के अंदर रेंच हो सकता है। हाँ अब ये वाला ड्रॉर खोलिए वाला, इसमें सारे ड्रॉर्स खोल। नहीं इनमें मत चेक कर, सिर्फ वो वाला एक चेक कर ले, क्रोबार हो सकता है इसके अंदर। नहीं क्योंकि इसमें हमेशा हेलीकॉप्टर का ही सामान होता है, या तो डक्ट टेप होती है या गैसोलीन होता है। डोर पहले वो सेफ वाला ही खोलते हैं जो उधर होता है, उधर डोर हैंडल या गैसोलीन पड़ा होगा, देखना। हाँ डोर हैंडल मिल गया, डोर हैंडल लगा दे, लग जाती। अब अपने को चाहिए रेंच, रेंच मेरे को पता है कहाँ, ऊपर जाओ। दो मिनट रुक, उधर अपने को वो क्या मिला था उधर, वेपन की। वेपन की चल पहले, जरूरत नहीं हो अभी मत चलना, एमओ वेस्ट हो सकती है। अभी तू रेंच ले लेना पहले। कुछ नहीं होता, अपने क्या करेंगे वो प्राणी को इस साइड से ले लेना, इस साइड से।
अपने उस प्राणी को उड़ाएंगे और फिर उस उधर कुछ पड़ा होगा तो बढ़िया सा, क्योंकि ज़्यादातर कुछ ना कुछ सामान होता ही है वहाँ पे। वहाँ पे क्रोबार पड़ा होगा देख लेना। हाँ क्रोबार कहीं नहीं मिला। नहीं नहीं क्रोबार वहाँ पे भी हो सकता है, वो ऊपर वहाँ पे सीढ़ी सिक्योरिटी रूम से ऊपर जाके वहाँ भी हो सकता है। ये मिली वेपन की और अब शॉटगन मिली भाई। शॉटगन एमओ लोड कर लो, मैं पहली बार ये यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे को वेपन की मिलती नहीं इतनी देर तक। अब रेंच चाहिए अपने को। तो मैंने क्या बोला था तेरे को, पहले सोच सकते आ गया, इसे यहीं ड्रॉप कर दे शॉटगन। ऊपर जा ऊपर जा, मैं तेरे को रेंच दिलाता हूँ। ठीक है देखते हैं, रेंच चाहिए अपने को। वो बेडरूम है ना डबल बेड है, वहाँ पे जा। अब ये नहीं डबल बेड थोड़ी है। हाँ यहाँ हो सकता है, रूम में। समझ गया समझ गया। इसमें शॉटगन पड़ी होगी, हेलीकॉप्टर मैनुअल यहाँ पे चक्कर। अब इसके ऊपर पड़ा होगा, इसके अंदर बोर्ड मतलब होगा कुछ नहीं है। इसके ऊपर देखो पड़ा ये रहा रेंच। अब बीच वाला इसके अंदर बीच वाला क्रोबर पड़ा होगा। स्टन गन नहीं है, कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर होती है ना स्टन गन होते हैं बीच वाले में। चल नीचे चल के रेंच से ये वाला इधर वेंट से ही कुछ है ना अभी रास्ता है क्या, लॉन्ग कट लेके जा रहे हैं। अरे वीडियो लंबी हो जाएगी समझा कर। क्रिएटर जोक्स यहाँ खा जा रहा है। फिर शॉटगन भी यही है जिसके फिर भी होगा। हो गया काम, अब जल्दी से शॉटगन चलो। ये पता है अपने बिना उस बच्चे को हमारे भी वहाँ से सामान लेके आ सकते हैं। हाँ स्पीड तेज होनी चाहिए, मेरी स्पीड तेज नहीं है, बिगनर हूँ मैं। बता कैसे मीट देके। मैं हमेशा वैसे ही निकालता हूँ, मैंने मीट देके मैं ले नहीं पाता क्योंकि स्पीड बहुत धीरे है मेरी। मैं तो हमेशा बिना बच्चे को मारे निकाल के लेके आता हूँ, मैं किसी की हत्या नहीं करता। बस यहीं ड्रॉप कर दे, कभी कभी वो समन हो जाता है तो बंदे को शॉट में लेने में दिक्कत आएगी। क्या हो जाता है, मैंने कई बार खेला ऐसे लैपटॉप में तो उसमें वो समन हो जाता है तो बाहर ड्रॉप कर दे। समन मतलब वो दोबारा जिंदा हो जाता है यहीं ड्रॉप। नहीं होगा अब, नहीं होगा। नहीं मैंने लैपटॉप में कई बार खेला तो उसमें तो जाता है। स्टन गन और इससे शॉट गन से होता ही नहीं है। ये रहा क्रोबर, मेरे को लैपटॉप क्या देता है। अब अपने अब अब अपने को चाहिए डोर हैंडल। डोर हैंडल तो मिल गया अपने को, वो चाहिए वो व्हील जो होता है ना घुमाने के लिए, हैंड व्हील। हाँ हैंड व्हील, अब वो भी मुझे पता है कहाँ होगा। क्रोबर का काम हो गया। मतलब सिक्योरिटी रूम से ऊपर जाते हैं ना वहाँ पे जा। हाँ उसकी अलमारी में होगा। हाँ वहाँ जा चलते। इसने डोर भी नहीं खोला है वाला। चलते हैं ऊपर। आके आके मेरी पहले से स्पीड तेज नहीं हो गई। तू पहले तो अटक अटक के चलता था। हाँ इसमें यहाँ होगी हैंड व्हील। ये रहा, ये तो बोर्ड स्टीयरिंग व्हील है। मुझे पता, अब नीचे जा शॉटगन लेके आ जाके। अब वो शूट करना पड़ेगा ना। हाँ नोस्टर्फो वाला, नोस्टर्फो नोस्फराटो। हाँ फराटो वो मैंने स्टन गन से कल ट्राई किया था, वो स्टन गन से भी शूट हो रहा था। पता क्योंकि संग्रह अपने को मिली नहीं है इसलिए शॉटगन से करना पड़ेगा। ये स्टनगन नहीं मुझे पता कहाँ होगी। चलो एक एमओ तो पड़ी है। चल मैं तेरे को स्टनगन बताऊँ कहाँ है। नहीं कभी काम की नहीं है। मुझे बताने में क्या जा रहा है बता। नीचे थोड़ा का जो बक्सा होता है ना उसके अंदर जाके चेक कर। भाई इतना कितना प्रो है तू, कितना खेल चुका है सब पता तेरे को। ये हाँ होगा ये हाँ होगा। एक दो लाख बार ही खेला मैंने। बहुत कम बार खेला, बहुत कम बार खेला तूने। ठीक एक करोड़ का रिकॉर्ड बनाना है तो बन नहीं पा रहा। ग्रैनी की दो वीडियो थी इसमें पता है लंबा टाइम क्यों है। प्लायर्स तो लेके आ पहले क्योंकि मैं उस... अच्छा हाँ प्लायर्स अपनों वहाँ गए रहे थे क्योंकि उस टाइम पे मैं पूरी ग्रैनी की प्रैक्टिस करता था तभी तो मैं एक बार में स्केप कर गया। गिर जा भाई प्लायर्स के पास गिरा हुआ है। हाँ हाँ पैडलॉक की भी तो नहीं मिली तेरे को अभी तक। हाँ पैडलॉक की उसके अंदर हो सकती है, पैडलॉक की हो सकती है। हाँ तूने बक्सा भी तो नहीं खोला अभी तक, उसके अंदर पैडलॉक की होगी और एक बक्से के अंदर हैंड व्हील मिलेगा तेरे को देख लेना। इसके अंदर पैडलॉक की है,
क्रोबार याद है डोर के सामने? हाँ शायद वहीं गिरा था तुम्हें। वहीं गिरा था। देखना पैडलॉक की ये रही। अब प्लेयर्स का काम ख़त्म है ना? हाँ चलो अब अपने को डब्बे बक्से खोलने के लिए क्रोबार की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ तो गेट के पास जाएगा तो पैडलॉक की ताला भी खोल देना, वो चक भी लेना। और नीचे वाला बक्सा खोलने की ज़रूरत नहीं है तेरे को, उसमें तो स्टन गन पड़ी होगी। ये रंग भी नीचे गिरा हुआ है। चकते हैं क्रोबार। पैडलॉक की का काम ख़त्म हो गया ना? हाँ दूसरा काम बोट में आता है, बोट एस्केप अपने कर नहीं रहे भाई। डोर एस्केप सबसे ज़्यादा इजी है। पहले मेरे को काफ़ी हार्ड लगता था पर जब मैं खेलना शुरू किया मैं गर्नी बहुत ज़्यादा, तब मेरे को पता लगा डोर एस्केप सबसे ईजी होता है। क्रोबार ऊपर ऊपर वाला बक्सा खोलना है। हाँ अब इसमें रखना होगा ध्यान, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में ग्लिच दिखाया था इसके अंदर शायद। ये रहा नहीं, मेरे दूसरी जगह पे मैंने ग्लिच दिखाया था। हैंड व्हील मिल गया। अब तो हो गया ना एस्केप? हाँ अब हो गया। हाँ वो हैंड व्हील नीचे जाके लगा दो, हो गया काम। चेक करेगा संगन को कहाँ हो सकती है? उस नीचे वाले बक्से में। वीडियो लंबी हो जाएगी। नहीं क्रोबार लाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। हो सकता है लोग छोड़ के चले गए वीडियो को, तो स्किप भी तो हो जाती है वीडियो। हाँ अब हो चुका है गाइस एस्केप। तो साउंड को बढ़ा लेता हूँ मैं थोड़ा, ताकि आवाज़ अच्छे से सुनाई दे आपको। तो गाइस फाइनली हो चुका है एस्केप, डोर एस्केप हो चुका है। और ये देखिए ग्रैनी कैसे डांट रही है ग्रैंडपा को, लापरवाह ग्रैंडपा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, कर लिया हमने एस्केप, दी एंड। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।